बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन और माश की दाल। ये किलो चिकन है, आधा किलो माश की दाल है, ये तीन प्याज हैं, चार टमाटर हैं, ये चार नींबू हैं, ये शिमला मिर्च है, ये दाल है आधा किलो। ये कप मैंने ऐलका डाल दिया है, साथ ये मैंने प्याज डाल दिए हैं, साथ ही इसके चिकन डालूंगी। साथ ही ये चिकन डालूंगी। प्याज और चिकन दोनों हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसके अंदर लहसुन वगैरह और मसाला ज़्यादा डालूंगा। पहले हमने इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। रहमान रहीम। ये देखिए प्याज भी ब्राउन हो गए हैं, चिकन भी ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर लहसुन डालूंगी, एक चम्मच ये लहसुन की है। जब लहसुन रेड हो जाएगा फिर इसके अंदर मसाला डालूंगी। ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर टमाटर डालूंगी। ये नींबू का रस है, ये निकाल रही हूँ। ये आधा चम्मच अदरक पेस्ट। ये एक चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सफेद नमक पिसा हुआ, ये आधा चम्मच काली मिर्च पीसी हुई। अच्छी तरह इसको भून लूंगी, दाल भी साथ ही इसके डाल के। इसको अच्छी तरह भून के फिर इसको कुकर के अंदर थोड़ा सा वेट लगाऊंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया, इसको मैंने कुकर में डालना, दो तीन मिनट इसको वेट लगाना है। तीन मिनट इसको वेट लगाएंगे। जो थोड़ा सा पानी मैंने लगा दिया, इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर। अब तीन मिनट इसको वेट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तीन मिनट हो गए, मैं फ्लेम बंद कर दिया है। माशाल्लाह ये देखिए ये तैयार हो गई है। ये
ये आधा चम्मच खुशक मेथी और गरम मसाला पिसा हुआ मिक्स ये डाल रही हूँ। ये सब्ज़ धनिया ये सब्ज मिर्च दो अदद है, एक शिमला मिर्च है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छी जी बन गई है। आप भी बनाना, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। हमारी रेसिपी पसंद आए आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। कितनी बेहतरीन ये खड़ी खड़ी बनी है।